तो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से सेशन में स्वागत है। आज हमारे पास में जेई मेंस 2020 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सर्कल का एक सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहां पर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने में है, इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल x² + y² = r² r ग्रेटर देन 0 अलोंग द लाइन y - 2x = 3 इज r, देन r² इज इक्वल टू। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आप देखिए, सबसे पहले क्या एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, ये सर्कल का जो सेंटर है दैट इज 0, 0, कोई लाइन है वो कॉर्ड बना रहा है। ठीक है, ये लाइन क्या है, ये लाइन आपके पास में दिया हुआ है y - 2x = 3। ठीक है, तो ये सर्कल का रेडियस है आपको r, सेंटर 0, 0, और यहां से अगर परपेंडिकुलर होगा तो कॉर्ड को मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, और आपको जो कॉर्ड AB का लेंथ है ये भी कितना दिया हुआ है R। ठीक है, तो यहां से अगर ये सेंटर को C मान लिया जाए और ये पॉइंट P है, तो ये P क्या हो जाएगा, कॉर्ड का मिड पॉइंट हो जाएगा। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तो आपको आर स्क्वायर का वैल्यू बताना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। तो पूरा ज्योमेट्री लगा देंगे। तो देखिए, यहां पर मैं आपको एसी जो है वो आर है रेडियस। ठीक है, आपको एपी का वैल्यू हो जाएगा r/2। तो राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल ए पी सी, इसमें आप लिख सकते हो एसी स्क्वायर इक्वल टू PC² + AP²। तो यहां से AC² कितना हो जाएगा, ये r² = PC² + r² / 4। तो यहां से PC का वैल्यू हो जाएगा √3r/2। PC = √3r/2। नाउ अगर आप CP का फॉर्मूला देखोगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन AB, तो ये मिल जाएगा 0 - 0 - 3/√5। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का। तो यहां से अगर हम लोग पुट करेंगे तो ये मिलेगा √3r/2 = 3/√5। तो यहां से स्क्वायरिंग कर दीजिए तो मिल जाएगा r² = 36/15, और यहां से r का वैल्यू जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 12/5। यू विल गेट r² का वैल्यू 12/5। तो देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री आप लोगों ने आंसर जो है हम लोगों ने यहाँ पर में फ्रेम कर लिया। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन 2, r² = 12/5। इस तरह से हम लोग अगर जेई के क्वेश्चंस को ज्योमेट्री से सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर इजीली आ सकता है। आई होप ये डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो माई डियर फ्रेंड, अगर आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, आप इसको सबसे पहले लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इसमें जो भी कंटेंट आ रहे हैं वो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू माय डियर।